तो जी न्यूज पर हमारी 10 बजे की बड़ी बहस लगातार जारी है, लेकिन चुनाव से जुड़ी हर खबर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने एक रैली में यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस को कई जगह चुनाव जीतने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस को कई जगह चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की मदद मिल रही है। ममता बनर्जी यह आरोप भी लगाती हैं कि आरएसएस कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी को जिताने के लिए उनका प्रचार कर रहा है। ये बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। तो चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को आरएसएस से मदद मिल रही है, ये बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। उनके निशाने पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत मुखर्जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे भी हैं, और उन्हीं को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस को मदद दे रहा है, कांग्रेस की मदद कर रहा है आरएसएस। क्या उन्होंने कहा, सुनिए खुद। বিজেপি দুপুর লড়াই করে কংগ্রেস আর সঙ্গে লড়াই করে সিপিএম। প্রতিদিন বিজেপি নেতাদের সাথে, প্রতিদিন আরএসএস নেতাদের সাথে, আপনারা জানেন বাংলায় আরএসএস দুটো জায়গায় বিজেপি কংগ্রেস হয়ে কাজ করছে। কোথায় কোথায়? জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জী গিয়েছিল আরএসএস এর অফিসে জঙ্গিপুরে, আর হচ্ছে বহরমপুরে অধীর চৌধুরী হয়ে কাজ করছে আরএসএস। এটা জেনে রাখুন, এটা সত্যি কথা, এটা সত্যি কথা।